नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। यूपी के हवालात में कैदी की मौत, हंगामा बरपा, अब डार्क वेब और बिटकॉइन से मंगाया जा रहा है ड्रग्स। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुश्किलें कैसे बढ़ गई, रेसलर और भाई की कोच ने ही कर डाली हत्या, और फुली वैक्सीनेटेड है तो 6 महीने बाद फिर लग सकती है भारत में बूस्टर डोज। उत्तर प्रदेश के कासगंज की सदर कोतवाली की हवालात में बंद अल्ताफ नाम के शख्स की मौत हो गई, जो घरों में पेंटिंग और टाइल्स की दुकान पर मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता था। वो अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। पुलिस का कहना है कि 22 साल के लड़के मृतक अल्ताफ को पुलिस लड़की भगाने के मामले में पूछताछ करने के लिए थाने लाई थी। इस मामले में कासगंज के SP ने बताया कि हवालात में बंद आरोपी टॉयलेट गया था, जब बहुत देर बाद बाहर नहीं निकला तो देखा कि उसने अपनी जैकेट के हुड के नाड़े से फांसी लगा ली। आनन फानन में उसे कासगंज जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 20 मिनट बाद उसने दम तोड़ दिया। अल्ताफ को गांव में पुताई के दौरान एक नाबालिग लड़की से मुलाकात हुई थी, फिर रोज दोनों मिलने लगे और अचानक लड़की घर से भाग गई। लड़की के पिता ने कासगंज कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। लड़की के पिता ने अल्ताफ पर लड़की को भगाने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर पुलिस ने अल्ताफ को हिरासत में लिया था और उसे पूछताछ कर रही थी, और इसी दौरान अल्ताफ की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गाँव में गुस्सा भड़का हुआ है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने डार्कनेट के जरिए कनाडा से गांजा मंगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिटकॉइन में गांजे की पेमेंट करते थे। पुलिस ने इनसे 1873 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए बताई जा रही है। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि ड्रग्स तस्करों की पहचान करण सजनानी, संजीव मिडा और प्रियांश नाम से की गई है, जो डार्क नेट से कनाडा से मैरुआना मंगाते थे और दिल्ली में सप्लाई करते थे। आरोपी DHL कुरियर सर्विसेज के जरिए कनाडा से गांजा मंगाते थे। इसमें पैकिंग इस तरह से होती थी कि एयरपोर्ट पर स्कैनिंग में ये गांजा पकड़ा नहीं जाता था। इससे पहले भी ये गांजे की 2 खेप मंगा चुके हैं। दरअसल डार्क नेट पर 50 से 60 ऑनलाइन मास्क लेयर के पीछे IP एड्रेस होता है। इसकी वजह से जांच एजेंसी के लिए भी आरोपी को पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। T20 वर्ल्ड कप में 11 नवंबर को दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आमने सामने होंगी। पाकिस्तान के लिए इस महामुकाबले से पहले चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। जबरदस्त फॉर्म में चल रहे शोएब मलिक, मोहम्मद रिजवान को फ्लू हो गया है, जिसकी वजह से मैच से पहले दोनों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सरफराज अहमद और हैदर अली को रिप्लेसमेंट के तौर पर तैयार तो रखा गया है, जो पहले से ही स्क्वाड का हिस्सा थे। हालांकि शोएब मलिक और मोहम्मद रिजवान का कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन डॉक्टर ने दोनों को ही आराम करने की सलाह दी है। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मैच से पहले पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक दोनों ही इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में हैं। शोएब मलिक ने तो आखिरी मैच में 18 बॉल में 54 रनों की शानदार पारी खेली थी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शानदार फॉर्म में चल रहा है। सुपर 12 स्टेज में पाकिस्तान ने भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, नामीबिया, स्कॉटलैंड को मात दी है। सभी मैच जीतकर पाकिस्तान ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी थी। पाकिस्तान की नज़र अब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात देकर फाइनल में जगह पक्की करने की है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी बीमार पड़े हैं, वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हरियाणा के सोनीपत में एक महिला पहलवान निशा और उसके भाई सूरज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला पहलवान की मां को भी गोली लगी है, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। शुरुआती खबरों में महिला पहलवान के नाम को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति थी, जिसके चलते एक नेशनल लेवल की रेसलर के साथ इस वारदात के होने की बात कही गई। इस खबर के कुछ देर बाद ही नेशनल लेवल की महिला पहलवान निशा दहिया ने खुद वीडियो संदेश जारी कर अपने सुरक्षित होने की जानकारी दी। दरअसल सोनीपत के गांव हलालपुर में जिस महिला पहलवान की हत्या हुई है, उसका नाम भी निशा बताया जा रहा है, और उसके भाई सूरज की भी इस पूरे मामले में हत्या की गई है। इस हमले में उनकी मां को गोली लगी है। दोनों भाई बहनों की हत्या के बाद ग्रामीणों में काफी रोष भरा हुआ है। कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लगाने का सबसे सही समय वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के 6 महीने बाद है, और ये कोई और नहीं बल्कि भारत बायोटेक के चेयरपर्सन कृष्णा एला ने बताया है। 10 नवंबर को इसको लेकर उन्होंने जानकारी दी। साथ ही एला ने नेजल वैक्सीन के महत्व पर जानकारी दी। भारत बायोटेक के MD एला ने कहा कि कोरोना के बूस्टर डोज को लेने का सही समय दूसरे डोज के 6 महीने बाद है। भारत बायोटेक अपनी नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में देख रहा है, क्योंकि कोवैक्सीन की तुलना में इसकी स्केलिंग क्षमता बहुत आसान है। नेजल वैक्सीन के महत्व के बारे में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया उनके नेजल वैक्सीन की ओर देख रही है। कोरोना के ट्रांसमिशन को रोकने का ये एकमात्र तरीका है। हर कोई इम्यूनोलॉजी का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, और सौभाग्य से भारत बायोटेक को इसकी जानकारी है।